आज हम जो टॉपिक चालू करने वाले हैं उसका नाम है कैपेसिटर्स। ओके, ये कैपेसिटर जो टॉपिक है इसके पहले आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी टॉपिक्स अभी तक हुए हैं उसमें मैकेनिक्स बड़े आराम से घुल मिल जाती है और काफी सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं जिसमें मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को चेक करना है कि आपको कैपेसिटेंस या आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है या नहीं, वो मोर और लेस कैपेसिटेंस के ऊपर ही सवाल बनाएगा। ओके, और ये देखा गया है कि पिछले कई सालों में जेई में जो है एक्सक्लूसिवली कैपेसिटर्स के सवाल पूछे जाते हैं, फाइन। तो इसलिए कैपेसिटेंस जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, फाइन। और वैसे भी इन रियल लाइफ ऑल्सो कैपेसिटेंस इज वेरी यूजफुल, फाइन। कैपेसिटेंस आपने नाम सुना ही है और ये आपने कई जगह ऑलरेडी आपने जो है देख चुके होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये यूज क्यों होता है, इसका यूसेज किस लिए होता है? कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर कर लेता है, राइट। अब हम किसी भी चीज को स्टोर क्यों करते हैं? क्या आप एक एग्जांपल सोच पा रहे हैं जहां पर हम लोग जो है यूजुअली चीज स्टोर करते हैं? एक बकेट ले लीजिए, बकेट हम जो लोग वॉशरूम में यूज करते हैं, बाथरूम में बकेट का क्या काम होता है? बाथरूम में जो बकेट रहती है दोस्त, उसमें हम पानी भरते हैं, राइट, और वो स्टोर रहता है। तो क्या बकेट हम सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज कर रखते हैं? हम लोग उसको यूज भी करते हैं, राइट। तो क्या हम लोग बकेट में इसलिए पानी रखते हैं कि हम उसको बाद में यूज कर सकें? ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम लोग के घर में पानी तो 24/7 यूजुअली आता ही है। तो अगर हमको बाद में भी पानी चाहिए तो हम टैप ओपन कर लेंगे, राइट। तो बकेट का यूसेज ये नहीं हो सकता कि हम लोग उसको बाद में यूज कर लें इसलिए हम अभी स्टोर कर लें, राइट। हालांकि एक्सीजेंसीज में कभी कभी ये रहता है कि पता होता है हमें कि भाई 4 घंटे बाद पानी नहीं आएगा, तो हम लोग जो है हर चीज में पानी स्टोर करने लगते हैं, लेकिन वो प्राइमरी पर्पस बकेट का नहीं है। तो क्या पर्पस है? आप जब बकेट में पानी स्टोर करते हैं उसके बाद आप जो है कितना अमाउंट ऑफ पानी कितने टाइम में यूज करना है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप मग यूज करके ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी कम समय में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टैप में यूज करेंगे या आप शावर यूज करेंगे तो आपका जो फ्लो रेट है पानी का वो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा कि कितना तेजी से उसी में पानी आ रहा है, राइट। तो इसलिए जो है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द फ्लो रेट ऑफ यूसेज ऑफ द वॉटर हम लोग बकेट यूज करते हैं और इसलिए हम पानी को स्टोर करते हैं। सिमिलरली कैपेसिटर भी दोस्तों, जब हमको कंट्रोल करना होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए ढेर सारा करंट, मुझे चाहिए करीब 50 एम्पियर्स करंट चाहिए बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, तो भाई सप्लाई तो होता नहीं है 50 एम्पियर करंट, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज को स्टोर कर सकते हैं एक जगह और एकदम से उसको डिस्चार्ज कर देंगे तो बहुत सारा करंट फ्लो हो जाएगा। तो ये जो डिस्चार्ज है ये एक बहुत यूजफुल चीज है, इसको अगर ये जो इमीडिएटली जो डिस्चार्ज हुआ ये हमने जो स्टोरेज किया हुआ था इसको हम एज अ फ्लैश लाइट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये लाइट जनरेट करेगी, राइट। और आपने मूवीज वगैरह में तो देखा ही होगा कि भाई जैसे किसी को हार्ट अटैक वगैरह आता है तो उसको डिफिब्रिलेटर से इस तरह से डॉक्टर्स जो है उसके चेस्ट में 2 कैपेसिटर के प्लेट्स ऐसे रख देता है तो जो है कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है, तो बहुत सारा करंट उसके चेस्ट में फ्लो होता है और देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द हार्ट विल अगेन स्टार्ट टू फंक्शन और फिर जो इंसान है वो अलाइव फील होकर करने लगता है, राइट। तो इसलिए जो है कैपेसिटर इस तरह के सिनारियों में बहुत यूजफुल है, राइट। एक और सिनारियो है जहां पे कैपेसिटर बहुत यूजफुल है, वो करंट को बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने देता है कैपेसिटर,
ओके. फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी मदरबोर्ड वगैरह में, जैसे आप अगर कभी चांस लगे मदरबोर्ड देखने का, जैसे हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक मदरबोर्ड होता है, ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो है ऐसे लगे रहते हैं. तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो कुछ इस तरह से डिवाइसेस होते हैं. ये ब्लू कलर का डिवाइस होता है इस तरह का, यहां पर कुछ लिखा रहेगा, ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है ओके. और कुछ डिवाइस होंगे इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है ओके. और कुछ कुछ ऐसे होंगे वो चपटे ऐसे होंगे, मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं राइट. तो इस तरह के डिवाइसेस मदरबोर्ड में लगे रहते हैं. तो उनका काम क्या है? उनका काम ये है दोस्तों कि भाई अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करे तो उसको रेगुलेट करना, और चार्ज भी स्टोर करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. अब ये होता कैसे है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एनालॉजी दे रहा हूं यहां पे बकेट का, ताकि आपको समझने में आसानी हो. हालांकि हमारे सिलेबस में कैपेसिटर का जो यूसेज पार्ट नहीं है, फाइन, हमारे सिलेबस में सिर्फ कैपेसिटर की अंडरस्टैंडिंग पार्ट है राइट. लेकिन जब तक हम इसको अच्छे से समझ नहीं लेंगे उसका यूसेज क्या है, हम इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर सकते ओके. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये बकेट है, ठीक है, बकेट मान लीजिए इतना भरा हुआ है राइट. यहां से आपके जो है, यहां से पानी ऐसे फ्लो हो रहा है और बकेट जो है भर रहा है. ये जो फ्लो रेट है यहां से आने का पानी का, ये बार बार चेंज हो रहा है. ये कभी कम होता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, ठीक है. और अगर मैं यहां से पानी लूं, यहां से अगर मान लीजिए पानी मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, यहां डाल रहा हूं, तो यहां का जो फ्लो रेट है दोस्तों वो जो है मोर ऑर लेस सेम रहेगा. फाइन, यहां कैसी भी चीजें हो रही हो, तो एक बकेट को मैंने यूज कर लिया मेरा फ्लो रेट स्मूथ करने के लिए. उसी तरह से कैपेसिटर का यूज हम कर सकते हैं, जो करंट का फ्लो रेट है उसको स्मूथ करने के लिए. इनफैक्ट जब आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे या सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, उसमें जब हम एसी को, जिसमें करंट बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कैपेसिटर का यूज करते हैं एज अ फिल्टर कैपेसिटर ओके. ओके, अब हमको चार्ज स्टोर करना है, ठीक है. आपको क्या लगता है आप कैसे चार्ज को स्टोर कर सकते हैं? आपको चार्ज दे दिया गया, क्या आप उसको हाथ से ऐसे उठाएंगे? हाथ से अगर उसको उठाएंगे तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, आपसे वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा अगर पॉजिटिव चार्ज है, एंड इट विल गेट न्यूट्रलाइज्ड. तो आप उसको कैसे एक सेफ तरीके से स्टोर कर सकते हैं? उस चार्ज को अगर आप मेटल में डाल दें तो क्या होगा? मेटल में पूरे सरफेस में ऐसे फैल जाएगा वो. अगर मान लो चार्ज को मैंने इस मेटल में डाल दिया पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे इस तरह से इसके सरफेस पे जो है फैल जाएगा राइट. तो क्या मैंने चार्ज स्टोर कर लिया? बिल्कुल, मैंने चार्ज तो स्टोर कर ही लिया है. लेकिन अगर मैं यहां से कोई कंडक्टिंग चीज ऐसे टच करा दूं इसको, तो हो सकता है कि वहां से इलेक्ट्रॉन ये ले ले और फिर न्यूट्रलाइज कर जाए. तो इसमें लीकेज के चांसेस बहुत आसान है, बहुत आसानी से ये अपने चार्ज लूज कर सकता है राइट. लेकिन दोस्तों अगर मैं दो मेटल सरफेस ले लूं ओके, समझ लीजिए कि मैं ऐसे ले लूं, दो मेटेलिक पीस ले लूं ओके, यहां पे मैं पॉजिटिवली चार्ज दे देता हूं फाइन, और यहां पे नेगेटिव चार्ज दे देता हूं, तो क्या होगा? अगर ये दोनों एक दूसरे के पास हैं तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव जो है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा फाइन. तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे बांध के रखेंगे फाइन, ये एक दूसरे को खींचते रहेंगे. तो यहां पर जो है काफी टाइट यहां एक दूसरे को ऐसे होल्ड किया हुआ है. तो अगर मैं यहां से कुछ टच भी करा दूं दोस्तों, तो भी जो है यहां से कुछ भी टच करा दूं, ये चार्ज फ्लो नहीं होगा, क्योंकि चार्ज इस अट्रैक्शन की वजह से पकड़ के रखा हुआ है राइट. तो ये एक यूजफुल तरीका है चार्ज को स्टोर करने का राइट. स्टोर करने का मतलब ही यही है कि मैं उसको अच्छे से रख सकूं कंफर्टेबली और बाद में यूज कर सकूं. अगर मैं उसको सिर्फ एक ही मेटल सरफेस में डालता हूं तो चार्ज आराम से लीक हो जाएगा, तो स्टोर करने का मतलब ही क्या हुआ? तो वो एक प्रॉपर स्टोरेज नहीं है ठीक है. तो कैपेसिटर क्या होगा?
कैपेसिटर एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें चार्ज स्टोर होता है, ठीक है। और हम कैसे स्टोर करते हैं, हम दो कंडक्टर लेते हैं सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, फाइन। तो कैपेसिटर इज टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, ये मतलब इसका ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है, फाइन, टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, ओके। अब दोस्तों कोई भी चीज आप जब यूज करेंगे एज अ स्टोरेज डिवाइस, तो सबसे पहले उसकी क्या चीज जानने की कोशिश करेंगे, उसकी कैपेसिटी, फाइन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बकेट है, ठीक है, आपने समझ लीजिए कि दो बकेट ली, एक इस तरह की बकेट ली और एक जो है ये बकेट ले ली, फाइन, ऑलराइट। आप अगर इनका हाइट मेजर नहीं कर सकते, ना आप ये मेजर कर सकते हैं कि ये इसका जो सर्कमफ्रेंस है बेस का वो कितना है, तो आप किस तरीके से अंदाजा लगाएंगे कि इन दोनों की कैपेसिटी रफली कितनी है, क्या आपके पास कोई तरीका है? एज्यूम कर लीजिए कि दोनों का हाइट सेम है, फाइन, और मैंने आपको एक वाटर बॉटल दे दी जिसमें एक लीटर पानी भरा हुआ है, तो क्या आप एक अंदाजा दे सकते हैं कि कैपेसिटी दोनों की किस रेशियो में है और कितना कैपेसिटी हो सकती है? बिल्कुल, अगर आप वो वन लीटर पानी इसमें डाल देंगे, फाइन, तो ऐसा कुछ सीन होगा, और यहां डालेंगे तो क्योंकि एरिया ज्यादा है बेस का, तो हो सकता है सिर्फ इतना ही ऊपर आए, और अगर ये एच टू है, फाइन, और ये एच वन है, क्या हो रहा है, मैंने सेम अमाउंट ऑफ पानी, क्यू अमाउंट ऑफ पानी यहां भी डाला और यहां भी डाला, लेकिन इसमें एच वन हाइट तक गया, इसमें एच टू तक गया, फाइन। तो कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी, कैपेसिटी उसकी ज्यादा होगी दोस्त जिसका हाइट कम है, फाइन। तो मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं कि जो भी अमाउंट ऑफ वाटर डाला इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई एच, फाइन। तो मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मैंने डाला पानी इट इज प्रोपोर्शनल टू हाइट, ठीक है, ये तो दिख ही रहा है, और अगर जो भी अमाउंट डाला इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स हाइट, राइट। तो ये कॉन्स्टेंट, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो कॉन्स्टेंट है ये उसका ज्यादा होगा जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है, कैसे भाई, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, नो क्वेश्चन अबाउट इट, तो इसका हाइट कम होगा, अगर हाइट कम होगा ये दोनों के केस में सेम है तो ऑटोमेटिकली सी की वैल्यू ज्यादा होगी, राइट। तो इस तरह से मैंने कैपेसिटी एक तरह से डिफाइन कर दी है इन केस ऑफ बकेट, फाइन। अब हम सिमिलर डेफिनेशन यूज करेंगे दोस्तों कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस डिफाइन करने के लिए, ओके। अब आपके पास जो है समझ लीजिए दो कंडक्टर हैं इस तरह से, फाइन, इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, फाइन, इसके पास है नेगेटिव चार्ज, ओके। अब ये दोनों तो कंडक्टर हैं, तो ये पूरा का पूरा एक सेम पोटेंशियल में होगा V1, और ये पूरा का पूरा एक पोटेंशियल में होगा V2, फाइन। तो दोनों जो है इन इटसेल्फ, ये पूरा एक सेम पोटेंशियल पे है, ये पूरा एक सेम पोटेंशियल पे है, फाइन, लेकिन इन दिन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, फाइन। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए कि भाई V1 माइनस V2 है, जिसको मैं बोल देता हूं कि V है, तो अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है इन दिनों के बीच में तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? अगर मान लीजिए यहां पर प्लस Q है तो यहां पे माइनस Q होगा, यहां प्लस Q है यहां माइनस Q जो है इसलिए होगा क्योंकि भाई यहां पर हम लोग एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर सकते, इसको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, मान लीजिए यहां प्लस क्यू है और यहां पे माइनस क्यू है, ठीक है, तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है इज प्रोपोर्शनल टू जो भी चार्ज है, इसके मैं बोल सकता हूं, ठीक है। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वी, अगर मैं बोलूं इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट
टाइम्स क्यू जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर मैं इस तरह से बोलूं कि Q इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स V, तो क्या ये सिमिलर केस है जब हम बकेट यूज कर रहे थे? पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या था? हाइट डिफरेंस था, फाइन। Q की जगह क्या था? चार्ज की जगह अमाउंट ऑफ वाटर पुट इन था। तो यहां पर भी C जो है एक तरह से कैपेसिटी डिनोट कर सकता है, राइट? मैंने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डाला, उसकी वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। अगर कम पोटेंशियल डिफरेंस हुआ क्यू डालने से, तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, वो और चार्ज एक्यूमुलेट कर सकता है टिल इट अचीव्स अ सेट पोटेंशियल, फाइन। तो जो ये जो सी आता है दोस्तों, ये है वैल्यू कैपेसिटेंस का। फाइन, इसको आप ध्यान रखिएगा। सिमिलर टाइप ऑफ इक्वेशन हम लोगों ने ओम्स लॉ में देखा था। ओम्स लॉ में क्या था? V इज इक्वल टू R टाइम्स I, V वॉज प्रोपोर्शनल टू I एंड R वॉज अ स्पेशल थिंग विच वॉज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। यहां पर C एक स्पेशल चीज है, इसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। C अगर ज्यादा है तो कैपेसिटी ज्यादा होगी, C अगर कम है तो कैपेसिटी कम होगी, ओके?